लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं सुना छोटू का घर बिक्री में है, क्या बात कर रहा, और मुनासिब दाम में है हाँ। और बहुत अच्छे एरिया में है। एरिया का नाम क्या है रे दादा, और कौन से एरिया में? लफड़ा नगर, पेंशन चौक, अनुदास गली। क्या बात कर रहा, घर तो बड़ा अच्छा दिख रहा है यार, मेरे साले को भी लग रहा, उसको ही बता देते ना। अरे दादा तू क्यों सुख की जान दुख में डाल रहा, साल भर तो छोटू का घर बिक्री में है और उनके लोचे में कोई हाथ नहीं डाल रहा। क्यों रे भाई, और छोटू के घर में एक दर्जन से ज्यादा हिस्से बांटे, सब एक से बढ़ के एक नमूने। दादा हिस्सेदारों के नंगे चाले देख के ना लेवाल भी भाग जाते, पड़ोसी भी एक नंबर के कुचरे। अरे दादा अगर कोई हिम्मत करके बैठ भी जाए ना सौदे को, तो वहाँ के पड़ोसी इतने कुचरी है, घर मालकों को भगा देते ताकि घर हमको फुकट में मिल जाए। अरे मेरे बाप रे बाप, अरे मेरे बाप रे बाप, इतने तमाशे छोटू के घर में, अरे तो उसके घर का हल कैसे निकलेगा। अरे जरा आराम से, काम की पेटी जान को बन के आ रही, हिस्सा तो बराबर का होगा। हिस्सा बोल के तो पूरी जिंदगी रबा रहे, और बच्चों के हाथ तो जरा भी कुछ नहीं करे। मामू नाना ने सर छुपाने के लिए झोपड़ा दिए, उसमें भी 12 भंगड़ है। अरे तो तेरे मामू नाना ने घर दिलाए तो एहसान किए क्या, वो भी बहुत देर से आने हैं, रात दिन है ना खेत में मैं बैल की तरह राबा। चुप बैठो बाबा, अभी मेरा मुंह मत खुलाओ, जवानी से बीमारी का हाल लेके इधर की गाड़ी उधर कर रहे, हम बात कर रहे। अरे चुप बैठ रहे। चला ना आज छोटू के घर का सौदा कर ही डालते है, चलो देखते हैं यार। आओ बैठो। अरे क्या खालू, ये घर बिक्री में निकाले क्या? हाँ ना। साइज वगैरह क्या है? 12x25 है। पूरा तुम्हारे ही है ना? बाजू वाली दीवार छोड़ के बाकी सब अपना है। देख भैया घर का सौदा हुआ ना हा? तो पूरा रोकड़ा केस लगेगा, उधार नहीं लगेगा है, और सब बड़ी बड़ी नोट होना, छुट्टे नहीं चलेंगे। अरे खालू बड़ी बड़ी नोट दूंगा, 1 रुपया छुट्टा नहीं दूंगा, और ऐसे कड़क कड़क माल दूंगा, कैश रोकड़ा, और बैंक से निकाल के दूंगा। हेलो, हाँ सकुर भाई, हाँ क्या, हाँ हाँ अच्छा अच्छा ठीक है ओके, सॉरी भाई माफ करना, मैं गलती से आपके घर आ गया, मेरे को सकुर भाई दूसरा घर बताने वाले, सॉरी है गलती हो गई मेरे से, चलता हूँ मैं, चलता हूँ। गई भैंस पानी में। अरे इतना कैसा पनौती है रे तू, अंतु ही बेच अंतु ही संभाल, मैं जा रहा। क्या रे छोटू क्या है ये सब? टोके टोके, बाबा ने मना कर रहे थे मेरे को, कोई घर का आदमी टोकने नहीं होना, तुमने टोक दिए। क्या खेल खेल रहा तू है, करनी कौटाल कर करके घर अकेले हड़प करने के चक्कर में पड़ा है। बेटा तू इतना सी दिखता, लेकिन तेरे दिमाग में ना बड़े बड़े प्लान चलते, मगर बेटा एक बात याद रखना, मैं अकेला ये घर हड़प करने नहीं दूंगा, मेरे 7 पोरे 4 पोरी है, सबको हिस्सा बराबर कर दूंगा। अरे बाबा इतनी नियत खराब है क्या मेरी, करनी कौटाल करके अपने गिरे बांध दिया। अरे बाबा तुमको क्या बताना, मैंने मेरी जेब से 60 रुपए का सामान लेके आया, हम तुम मेरे को 12 बातें सुना रहे। आइए आइए। देखे ना भाई घर? हाँ हाँ देखा ना, मस्त है। हाँ हाँ बहुत अच्छा घर है ये, घर बहुत लकी है, हम बहन भाई ज्यादा है ना, वो हिसाब से हम घर बेच रहे, नहीं तो और कोई बात नहीं है। और पड़ोसी कैसे है रे? पड़ोसी से उबक के तो घर बेच रहे, ऐसे पड़ोसी बहुत कम मिलते दादा, वो अच्छे पड़ोसी है, ऐसे पड़ोसी तो कई होंगे नहीं दादा। और नल लाइट है क्या? नल लाइट था, अगर बिल ज्यादा होने के वास्ते ना तो टेम्पर वारी कट गया। अरे दादा उसका टेंशन लो ही मत, नल और लाइट चालू है तुम्हारी,
और छोटू एक बात बता, उतारे पे नाम किसका है? उतारे पे 11 लोगों के नाम है, 11 लोगों के। देखे ना, 11 लोगों की बताने की क्या जरूरत थी, आ गया ना वो भी। क्या रे छोटू, इतना उदास क्यों रे तू? तेरा घर बिका क्या? नहीं। अरे तेरा घर बिक गया? अरे नहीं रे। तेरे शाने बाप ने रातों रात घर बेच के तेरे को चंडे दिया क्या? हाँ।